कार्रवाई कर रही है। एक तो औरत को मुल्जिम बनाया गया है, 120B का, 120B के मुल्जिम बनाए जाने चाहिए योगी आदित्यनाथ, लेकिन बनाया गया है शाइस्ता को, क्योंकि आपको मुझे आतंकवादी बना के ही पेश करना है, मुझे रेड सर्किल में ही पेश करना है, मेरी अच्छी बात आप लोगों को जहर लगती है। तौकीर रजा, जो अक्सर ही अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से चर्चाओं में है, वो लगातार ही अतीक अहमद की मौत के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर नजर आ रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने धरने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही पुलिस ने उन्हें घर में नजर बंद कर दिया था, जिसके बाद उन्हें नमाज के लिए भी निकलने के लिए धक्का मुक्की करनी पड़ी। तौकीर रजा के घर के बाहर काफी ज्यादा संख्या में पुलिस बल मौजूद नजर आया। इस बीच जब यूपी तक तौकीर रजा से बात करने पहुंचा तो वो सीएम योगी पर काफी ज्यादा हमलावर नजर आए। वो सीएम योगी के संसद में दिए गए भाषण की मिट्टी में मिला दूंगा पर काफी ज्यादा भड़के हुए नजर आए। तौकीर रजा का कहना था कि योगी ने संसद में कहा कि मिट्टी में मिला देंगे और मिला दिया। आप बताइए, केस बनता भी है या नहीं? इसी के साथ मौलाना तौकीर रजा ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर भी ऐसी बात कह दी कि आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। सुनिए आप भी क्या कह रहे हैं मौलाना तौकीर रजा। यूपी तक में मौलाना तौकीर रजा हैं, जिन्होंने अतीक अहमद हत्याकांड के बाद बहुत ही सरकार पे गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, समझते हैं ये आरोप उन्होंने क्यों लगाए हैं और किस बिना पे लगाए हैं, किस बिना पे आपने ये आरोप लगाए और क्यों लगाए हैं और क्या आरोप है आपके? सामने की बात है, ये आरोप मुझे लगाना पड़ रहा है, ये मेरे लिए अफसोस की बात है। ये आरोप आपको खुद लगाना चाहिए। क्या आरोप है आपके? ये सवाल आपको खुद उठाना चाहिए। मैंने किसी के लिए धमकी दी कि मैं तेरा कत्ल कर दूंगा? मैंने कत्ल किया नहीं है, उसका किसी और ने कत्ल कर दिया, उसमें मेरे ऊपर बनता है केस के नहीं बनता है। उन्होंने सदन में ऐलान किया कि मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिला दिया, केस बनता है कि नहीं बनता है, मेरा इतना सा सवाल है। अगर केस बनता है तो उन्हें केस का सामना करना चाहिए, मुकदमे का सामना करना चाहिए। किन के बारे में बात कर रहे हैं? अब जब आप इतना भी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर अल्लाह ही समझाएगा भाई आपको, तभी समझोगे, क्योंकि आपको मुझे आतंकवादी बना के ही पेश करना है, मुझे रेड सर्किल में ही पेश करना है, मेरी अच्छी बात आप लोगों को जहर लगती है। मैं ये कहता हूँ कि मैंने आज जो धरना दिया है, मैंने अतीक की हिमायत में नहीं दिया है बल्कि अदालत की हिमायत में दिया है, और अदालत की हिमायत करने वाले अगर आप लोगों के नज़र में विलन है तो आप विलन बना के पेश कीजिए, वरना सीधी बात है कि मुख्यमंत्री ने सदन में अलल ऐलान कहा, उनके मंत्रियों ने कहा, उनके नेताओं ने कहा गाड़ी पलट जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इसका मतलब यह कि उन्होंने प्लान बनाया हुआ था कि ये काम करना है। अगर ईमानदाराना जांच होगी तो ये तमाम के तमाम दोषी पाए जाएंगे, लेकिन मुझे ईमानदारी की उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर इंसाफ नाम की कोई चीज बची है और अगर योगी आदित्यनाथ जी के दिल में जरा सी भी मानवता नाम की कोई चीज बची है तो उन्हें इस मुकदमे का सामना करना चाहिए, और मुकदमा होने तक उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। एक चीज ये मौलाना साहब, आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी क्या मांग है आज की तारीख में, अगर बात करें किस तरीके की जांच क्या चाहते हैं? मैं जो धरना दिया मैं इस वक्त इतनी मांग जरूर करना चाहूँगा कि शरीयत के मुताबिक बेवा जिसका शौहर कत्ल कर दिया जाए या बीमारी से मर जाए या किसी भी तरह फौत हो जाता है तो उसकी बीवी पर ये लाजिम है कि 4 महीने 10 दिन तक वो इद्दत में रहेगी, किसी गैर महरम को अपनी शक नहीं करेगी, सिर्फ महरम। तो अब जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, एक तो औरत को मुल्जिम बनाया गया है, 120B के मुल्जिम बनाए जाने चाहिए योगी आदित्यनाथ, लेकिन बनाया गया है शाइस्ता को। शाइस्ता बनी हुई है, चलो ठीक है, लेकिन इतनी मैं अपील करना चाहूँगा, आप उसे तलाश करो, आप उसको ढूंढो, लेकिन जहाँ भी मिल जाए उसको गिरफ्तार वहीं हाउस अरेस्ट कर लो, क्योंकि उसे 4 महीने 10 दिन तक घर से निकलने की इजाज़त नहीं है।
शरई पाबंदी है। तो शरीयत का बात रखते हुए उसके साथ इतनी रियायत की जानी चाहिए। किससे जांच चाहते हैं? मैं जांच चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो जांच कमेटी बनाई है वो काबिले एतबार नहीं है। उससे जब चाहेंगे जो चाहेंगे लिखवा के अपने मुताबिक जांच करवा दी। ये थे मौलाना तौकीर रजा साहब, जिन्होंने बड़े ही गंभीर आरोप लगाए, जिन्होंने कहा कि वो ये जांच चाहते हैं और जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से चाहते हैं। उनके गंभीर आरोपों का सूत्र और वो क्या है इस पे उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन आरोप गंभीर प्रकार के हैं और धरना प्रदर्शन पुलिस प्रशासन ने अपने व्यवस्था के अंतर्गत नहीं करने दिया, क्योंकि धारा 144 लगी। मैं कृष्ण गोपाल राज, यूपी तक।